हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। यात्री कर अधिकारी ने बस रेहर क्षेत्र में चलाया वाहनों का चेकिंग अभियान। यात्री कर अधिकारी अरविंद कुमार जैसल ने बस रेहर क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की, जिसमें वाहनों की फिटनेस आदि चेक किया। वाहनों पर चल रहे लोगों से हेलमेट और कार से चल रहे लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कई बाइकों के कागज चेक किए और ऑटो में ओवरलोड सवारियों को देखकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर चालान भी काटे। इस दौरान इटावा फरुखाबाद मार्ग पर चलने वाले डग्गा मार वाहनों में हड़कंप मच गया और फिर ऑटो से लेकर पिकअप तक अधिकारियों की नज़रों से बचते हुए नजर आए। यात्रीगण अधिकारी ने बताया, लोग यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित घर पहुँचें। इस दौरान उन्होंने चेकिंग कर 44 वाहनों के चालान काटे और करीब 8000 संबंध शुल्क वसूल किया। उनका कहना था कि शासन के निर्देशानुसार सप्ताह में 2 दिन चेकिंग का निर्देश दिया जाता है, इसी के तहत वाहनों की चेकिंग की जा रही है। लोगों को सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इटावा से महावीर सिंह यादव की रिपोर्ट। सर जी, किस किस वाहनों को चालान हो रहे हैं, किस आधार पर? आज जो है सीट बेल्ट हेलमेट डे है और दूसरा दिन है, उसके तहत जो है जो भी गाड़ियां आ रही हैं उनको रोका जा रहा है, विशेषकर मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर जिसमें सीट बेल्ट और हेलमेट का ऑफेंस है चेक किया जा रहा है। सीट बेल्ट हेलमेट के साथ साथ प्रपत्र भी चेक कर रहे हैं, जिसके प्रपत्र कम है उसके अभियोग में चलान हो रहा है, सीट बेल्ट हेलमेट का भी हो रहा है। अब तक जो है कि 44 चालान यहाँ मैं कर चुका हूँ, 44 चालान हुए। संबंध शुल्क? संबंध शुल्क मुश्किल से 8000 जमा हो गए होंगे, 8000 जमा हो गए, बाकी सब लोग आपस में जमा करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।